I have no reason to fear, because your peace is with me and your love comforts me. Thank you, Lord, wow. for leading me in a आज way के I बच्चे can be कितनी confident अच्छी रील्स बना रहे हैं. I never have to worry when my life is in your hands. सच में. I love you. ओह, तो आप लोग भी आ चुके हैं. कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे. अच्छा बच्चों, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ. क्या आप लोगों को भी अच्छा लगता है वीडियोस एंड रील्स बनाना? और आपको, और आप चाहते हैं दुनिया को अपना टैलेंट दिखाना, बट आपको डर लगता है, आपको छुपना पड़ता है अपने पेरेंट्स से? तो मैं आराधना दीदी आप सबों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़. और वो एक्साइटिंग न्यूज़ ये है कि हमारा चैनल ग्रेट लाइफ मेट आप सबके लिए लेकर के आया है एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका, जिसमें आपको बनानी है वीडियोस, और वो भी अपने पेरेंट्स से छुपकर नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर आपको अपनी वीडियोस बनाकर हमारे चैनल में फीचर होने का मिलेगा मौका. तो जल्दी से बुला लीजिए अपने पेरेंट्स को, ताकि हम साथ में मिलकर के प्लान कर सकें. सभी माता पिता और बच्चों को हमारे चैनल ग्रेट लाइफ मेट की ओर से प्रभु यीशु मसीह में प्रेमित सलाम. मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आप सभी पेरेंट्स का, कि आप सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह की बातों में आगे बढ़ा रहे हैं. और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस सफ़र में आप लोग अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं. मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आप सभी पेरेंट्स का, कि आपने, जबकि इस चुनौती भरे समय में ऐसे बहुत से चैनल हैं जिनका कि कंटेंट बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करता है, पर आपने ये चुना कि आपने ग्रेट लाइफ मेट को सब्सक्राइब किया, ताकि आपके बच्चे प्रभु यीशु मसीह की बातों में और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकें. और आज मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हम आपके लिए लेकर के आए हैं अपने चैनल का एक नया सेगमेंट, क्लाइंब उस पार, जो कि एक एक्टिविटीज सेगमेंट है, जिसमें कि आपको मौका मिल रहा है अपने बच्चों के साथ घर पर ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करने का, जिसके द्वारा बच्चे लोग प्रभु यीशु मसीह की बातों को और भी ज़्यादा जानें, और साथ ही साथ आप भी अपने परिवार को उनके रिश्तों में और भी ज़्यादा गहराई, मजबूती और घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ाएं. इन वीडियोज़ को आपको रिकॉर्ड करना है और हमें भेजना है. तो आइए हम लोग जानते हैं कि आप लोग अपने बच्चों के साथ इन एक्टिविटीज़ को कैसे कर सकते हैं. आप लोग साथ में मिलकर बाइबल की कहानी पढ़ सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं. आप ऐसी कहानी को चुन सकते हैं जो कि मूल्यवान सबक या फिर नैतिक सिद्धांत को बताती और सिखाती हो, जिसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में लागू कर सकते हों, जिसके लिए आपको आवश्यक होंगी एक बाइबल या फिर एक बाइबल की कहानी की किताब. दूसरा पॉइंट ये है कि आप साथ मिलकर के प्रार्थना कर सकते हैं, जिसमें आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर की द्वारा दी गई आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, और ज़रूरत के समय मार्गदर्शन और शक्ति मांग सकते हैं, जिसके लिए आपको आवश्यकता होगी एक शांत और आरामदायक जगह की. तीसरा पॉइंट है कि परिवार के अनुकूल मसीह फिल्म या टीवी शो देख सकते हैं. ऐसी फिल्म या शो चुन सकते हैं जो कि सकारात्मक संदेश और मूल्य बताता हो, जिसके लिए आपको आवश्यकता होगी एक टीवी, मोबाइल, टैब, पीसी या लैपटॉप की. तो हमारी चौथी एक्टिविटी है पारिवारिक प्रार्थना पत्रिका या डायरी बनाएं. बच्चों को अपनी प्रार्थनाएँ लिखने, उन्हें एक दूसरे के साथ साझा करने या अपने दिन भर के विचार उनमें लिखने, अपने संघर्षों और उपलब्धियों पर चर्चा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं, तथा आप चर्चा कर सकते हैं कि किस प्रकार उनका विश्वास ऐसे चुनौतियों के दौरान उनका मार्गदर्शन कर सकता है, जिसके लिए आपको आवश्यकता होगी एक नोटबुक या फिर डायरी की. तो हमारी पाँचवीं एक्टिविटी है साथ मिलकर के स्वयं सेवा करना. अपने समुदाय में दूसरों की सेवा करने के अवसर खोजें, जैसे कि किसी अनाथालय वृद्धाश्रम में सेवा दें, या आप साथ मिलकर के पेड़ लगा सकते हैं, या किसी जागरूकता अभियान में शामिल हो सकते हैं. इसके लिए आवश्यकता है
दूसरों की मदद करने की इच्छा। हमारी छठी एक्टिविटी है पारिवारिक डिवोशन का समय बिताना। अपने परिवार को बाइबल का अध्ययन करने और साथ मिलकर प्रार्थना करने में मार्गदर्शन देने के लिए डेली डिवोशन बुक या ऑनलाइन सामग्री का उपयोग करें। इसके लिए आपको आवश्यक होगी एक डेली डिवोशन बुक की या फिर ऑनलाइन सामग्री की। और हमारी सातवीं एक्टिविटी है एक पारिवारिक आभार जार बनाना, जिसमें कि प्रत्येक परिवार का सदस्य प्रत्येक दिन कुछ ऐसा लिख सकता है जिसके लिए वह आभारी है और उसे जार में डाल सकते हैं। इसके लिए आपको आवश्यक होगा एक जार या कंटेनर और एक कागज और कलम की। हमारी आठवीं एक्टिविटी है एक साथ मसीह संगति या बाइबल अध्ययन में भाग लेना। बाइबल की अपनी समझ को और गहरा करने के लिए अन्य विश्वासियों के साथ संगति करने के लिए एक मीटिंग या फिर एक छोटे समूह में अध्ययन में भाग लेना। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी स्थानीय मसीह संगति या फिर ऑफलाइन बाइबल अध्ययन समूह की। हमारी नवी एक्टिविटी है बाइबल थीम वाले खेलों के साथ एक पारिवारिक गेम नाइट रखें। ऐसे खेल खेलें जो बाइबल के सिद्धांतों को सिखाते हैं या जिनमें मसीह विषय है। आवश्यकता होगी आपको इसमें एक बाइबल थीम वाले गेम या गेम आइडिया की। हमारी दसवीं एक्टिविटी है व्यक्तिगत संघर्षों के बारे में खुली चर्चा करें। बच्चों के लिए उनके संघर्षों, भय और चुनौतियों के बारे में बात करने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाएं और एक मसीह दृष्टिकोण से मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करें। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी खुली बातचीत और सहानुभूति की। यहाँ हमारी ये 10 एक्टिविटीज हो चुकी हैं और इनके अलावा भी आप और भी एक्टिविटीज को अपने परिवार में एक साथ मिल करके कर सकते हैं। जैसे कि आप कुछ गीतों को गा सकते हैं, आप किसी मसीह गीत पर एक अच्छा सा डांस तैयार करके या कोई एक्शन सॉन्ग आप लोग कर सकते हैं। तो इन सब की आप वीडियो बना करके हमें भेज सकते हैं। तो अब हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे कि कैसे आपको वीडियोस बनाने हैं। आपको अपना फ़ोन पोर्ट्रेट नहीं लैंडस्केप में रखकर वीडियो बनाना है। रिकॉर्डिंग से पहले आपका फ़ोन फ्लाइट मोड पर रख लें ताकि रिकॉर्डिंग के समय किसी भी नोटिफिकेशन की आवाज़ से आपका ध्यान न भटके। रिकॉर्डिंग वाली जगह पर कोशिश करें कि कोई अनावश्यक आवाज़ ना हो, जैसे कि कूलर या रसोई के बर्तनों की आवाज़। रिकॉर्डिंग वाली जगह पर कोशिश करें कि रोशनी पर्याप्त हो। वीडियो का समय 10 से 20 मिनट तक हो सकता है और इन वीडियोस को बना करके आपको स्क्रीन पर दिए गए ईमेल एड्रेस पर भेजना है। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो लीजिए भाग इस एक्टिविटी सेगमेंट में जिसका नाम है क्लाइंब उस पार, और हमें रहेगा आपके वीडियोस का इंतज़ार। बाय बाय।